एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट 22 की आंसर शीट कब रिलीज हो सकती है और उसके बाद में इसका रिजल्ट कब आ सकता है। मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस डाटा की डेट भी बताऊंगा कि कितना समय लिया जाता है एनटीए द्वारा आंसर की चैलेंज के बाद में रिजल्ट के लिए, और आंसर की चैलेंज के लिए, ओमार चैलेंज के लिए कितना समय दिया जाता है। तो उन सब प्रीवियस डाटा को देखते हुए इस बार की आंसर की कब रिलीज हो सकती है और उसके बाद में रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रीवियस ईयर में आंसर की जारी की गई थी और एग्जाम डेट थी और उनकी रिजल्ट जारी किया गया था, उसके बीच में कितना डिफरेंस था। तो देखो, आंसर की और रिजल्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो तकरीबन 10 डेज का होता है। अभी कौन से ईयर में कितना कितना था ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा स्टेट आयुष वेटनरी के बारे में बुक तैयार कर रखी है। इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने कट ऑफ सीट मैट्रिक्स, सर्विस बॉन्ड की जानकारी, च्वाइस लिस्ट भी दे रखी है कि 22 में आपको कैसे च्वाइस फिल करनी है, हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता रखा है। तो ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। डाउनलोड करने के बाद में जो मोबाइल नंबर आप देंगे उस पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर में कैसे एग्जाम डेट के बाद में कितना समय लिया गया था एनटीए द्वारा। तो हम सबसे पहले 2019 की बात करते हैं, 2019 में जो एग्जाम डेट थी वो 5 मई 2019 थी। 5 मई 2019 थी ये 2019 में। इसके बाद में आंसर की जो चैलेंज की डेट थी वो है 29 मई से लेकर के 31 मई 2019 थी ये, यानी कि 5 मई को एग्जाम हो गया था और 29 से 31 मई तक ये आंसर की चैलेंज का समय दिया गया था, यानी कि 29 को आंसर की जारी हो गई थी। इसके बाद इसका रिजल्ट आया था 5 जून 2019 को रिजल्ट जारी हुआ था। यानी कि नॉर्मली जो आंसर की के चैलेंज के लिए जो टाइम दिया जाता है वो थ्री से फोर डेज का टाइम दिया जाता है, और इन 3 या 4 डेज के बाद में 5 डेज का टाइम लिया जाता है रिजल्ट के लिए। ये प्रीवियस ईयर में 2019 में हमारे को ये देखने में मिला था। अब एक बार 2020 की बात करें हम, तो 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जो एग्जाम डेट था वो 13 सितंबर 2020 था, यानी कि 13 सितंबर 2020 को एग्जाम हुआ था। उसके बाद में जो आंसर की जारी की थी वो 26 सितंबर को जारी हो गई थी, और इसके बाद जो चैलेंज के लिए टाइम दिया गया था वो 29 तक दिया गया था, यानी कि 29 सितंबर 2020 तक ये टाइम दिया गया था आंसर चैलेंज के लिए। तो यहाँ 4 डेज का टाइम दिया गया था, यहाँ 3 डेज का टाइम दिया गया था एनटीए द्वारा। और जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वो 16 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट जारी किया था, यानी कि इसमें काफी समय लग गया था रिजल्ट जारी करने में, तकरीबन 15 डेज का समय लगा था। एक बार हम 21 की बात कर लेते हैं, तो 21 का जो एग्जाम डेट था वो 12 सितंबर 2021 था। जो इसके आंसर की रिलीज की जो डेट थी चैलेंज की, 15 अक्टूबर को आंसर की आ गई थी, और चैलेंज की डेट 15 से 17 अक्टूबर 2021 थी, यानी कि इसमें भी 3 दिन का टाइम दिया गया था और इसका रिजल्ट 1 नवंबर 2021 को आया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो रिजल्ट का टाइमिंग है
इनमें जो रिजल्ट का टाइमिंग लिया गया था वो आंसर की चैलेंज के 15 डेज के बाद तक का, यानी कि 15 डेज का समय इसमें लगा था। तो ये प्रीवियस ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो एनटीए के आंसर की तो जल्दी जारी हो सकती है, क्योंकि इन आंसर की के लिए, इस आंसर की के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, तो आंसर की तो जल्दी जारी हो सकती है। यानी कि ये अभी 16 से लेकर के 20 अगस्त 22 तक ये आंसर की कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए तो कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर मान लो ये 16 को होती है तो 3 दिन का समय दिया जाएगा, 16, 17, 18 आंसर चैलेंज के लिए, और उसके बाद में रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त 22 में। लेकिन अब यहां संभावना ये है कि जो रिजल्ट आना है वो सितंबर फर्स्ट वीक से पहले आने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। सितंबर फर्स्ट वीक से पहले रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि जो अभी गंगानगर सेंटर के स्टूडेंट्स थे उनका जो री एग्जाम होना था, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था उनका री एग्जाम के लिए, तो उनका अभी री एग्जाम हुआ नहीं है, उनका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। एनटीए की सबसे बड़ी कमी यहां ये रही है कि ये स्टूडेंट को पब्लिक नोटिस देकर के ये बिल्कुल ही नोटिस नहीं करवा पाता है कि आंसर की कब तक जारी होगी, उनकी एग्जाम कब होगी, गंगानगर सेंटर वालों की एग्जाम कब होगी, तो इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का नोटिस से कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को नहीं दी जाती है। एक इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने से स्टूडेंट को थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि एक डेट मिल जाती है, एक्सपेक्टेड डेट थी, इतनी तारीख तक आंसर की जारी हो सकती है, इतनी तारीख तक रिजल्ट आ सकता है, तो उससे वो अपना प्लानिंग कर सकता है। तो ये एक एनटीए की कमी है यहाँ जो स्टूडेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी एग्जाम लगने के बाद में कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी, तो इस प्रकार का कोई किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। तो हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसका जो सारांश है वो यही निकलता है कि आंसर की जो नीट की है 15 से 20 अगस्त के बीच में आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और उसके बाद में 3 दिन का ओमआर और आंसर की चैलेंज के लिए टाइम दिया जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर फर्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको पूरा डाटा भी बता दिया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको संभावित भी बता दिया है कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो ये जानकारी थी रिजल्ट और आंसर की के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।